हेलो, गुड इवनिंग स्टूडेंट्स. सो हाउ आर यू ऑल? आई होप दैट एवरीवन इज फाइन. यस क्लास, यू हैव टू टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, बिकॉज अगर हेल्थ इज नॉट ओके, अगर हेल्थ अच्छी नहीं है, देन अल्टीमेटली आपकी स्टडीज इफेक्ट हो जाएंगी, राइट? सो यस, वी विल बी टेकिंग केयर ऑफ आवर हेल्थ एंड देन साइमल्टेनियसली वी विल बी स्टडिंग. ओके, सो विद दिस गुड नॉट क्लास, आई जस्ट वेलकम यू ऑल टू अन अकेडमी प्लेटफॉर्म. एंड जो भी बच्चे मेरी क्लासेस रेगुलरली देखते हैं, दे नो हम ऑलरेडी पास्ट में क्या पढ़ चुके हैं एंड इवन टुडे हम क्या पढ़ने वाले हैं, है ना? लेकिन जो बच्चे आज फर्स्ट टाइम वीडियोस देख रहे हैं, फर्स्ट टाइम इधर न्यू लर्नर्स हैं, सो बिल्कुल टेंशन लेने की बात नहीं है. हमारी क्लास का एक फंडा होता है, राइट, ये टेंशन नहीं लेना एंड रट्टा नहीं लगाना, ठीक है? ये दो फंडे हैं. सो बेसिकली हम कैसे, हमने बहुत सारी क्लासेस ना, हमने जो पास्ट में ली है, पहले जितनी भी क्लासेस ली हैं, हमने बहुत इंटरेस्टिंग वे से की है. अब ये क्या है इंटरेस्टिंग? हमने एक्सपेरिमेंट्स करे, हमने क्विजेस करे, राइट? हमने कितना डिस्कशन करके वी कंप्लीटेड दैट चैप्टर, बहुत एक्सपेरिमेंट्स करे हैं. तो क्लास इवन अभी हम आगे भी जितने भी, वेदर इट्स बायो, वेदर इट्स फिजिक्स और केमिस्ट्री, हम सारे चैप्टर्स हम बहुत एक्सपेरिमेंट से करेंगे. आपको बिल्कुल बेस स्ट्रॉन्ग करना है, ठीक है? फोकस ऑन द बेस थिंग, ठीक है? एट्थ में जो पढ़ लिया डन, लेकिन नाउ आप नाइन्थ में हो, हम क्या बेस स्ट्रॉन्ग करेंगे साइंस का. आपको यहीं से ही एक एक टॉपिक क्लियर होना चाहिए, ठीक है क्लास? सो विद दिस गुड नॉट दैट यू नो वी विल फोकस ऑन द मीनिंगफुल लर्निंग एंड एक्सपेरिमेंट्स, एंड हम लर्निंग को बोरिंग नहीं, इंटरेस्टिंग बनाएंगे. सो क्लास विद दिस गुड नॉट, लेट्स स्टार्ट अवर सेशन. सो क्लास टुडे वी विल बी फोकसिंग ऑन चैप्टर नंबर टू, जिसका नाम है इज मैटर अराउंड अस प्योर. क्या जो मैटर है हमारे, आप सबको पता है, आई एम डैम श्योर आपको पता होगा कि मैटर क्या होता है. मैटर आस पास में जितनी भी चीजें दिख रही हैं आपको, वो सब मैटर है. सो क्या वो प्योर है? एज इन मैटर, जो भी चीज आपके जो स्पेस और मास ऑक्यूपाई करता है उसे मैटर कहते हैं. क्या वो प्योर है? क्या वो प्योर है, क्या मतलब है मेरा प्योर से, राइट? अगर आपने, ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके इसके बारे में, अगर आपको अभी आइडिया नहीं आ रहा है कि मैम प्योर क्या बोल रहे हैं, सो आप मेरे ऑलरेडी यू नो आई ऑलरेडी टुक 3 क्लासेस ऑन दिस सेम चैप्टर, आप मेरी प्लेलिस्ट देख सकते हो. मेरी रोज क्लासेस 5 o'clock क्लास अपार्ट चैनल पे ही होती है. तो आप मेरी क्लासेस यू नो इसी चैप्टर का, चैप्टर 2 का 3, पार्ट 1, पार्ट 2 एंड पार्ट 3 देख सकते हो. अदर देन दैट, चैप्टर 1 जो है, चैप्टर 1 भी कवर कर दिया है. या फिर इनके अलावा इफ यू वांट कि मैम ये चैप्टर पढ़ाओ, आई हैव प्रॉब्लम इन दिस, यू कैन सजेस्ट इट इन द कमेंट बॉक्स, इट इज ओपन फॉर यू ऑल. एंड क्लास यस, we will be learning in a very very fun way, and ye fun tabhi hoga jab aap kya honge, attentive, right? jab aap sab kya honge, attentive, tabhi ye kya banega, fun banega. and hum bahut sare experiments karenge, ye aap sabko pata hai, hum bahut sare experiments karenge. this is the lovely part of science. okay class, so before starting the session, let me just quickly introduce myself. As you all know, but you know the students who just joined, who are new. So class, I am Rashmi Yadav, and I'm graduated from Lady Shriram College from Women. And you know, I am a TGT teacher, and in an academy, I am from K-12 category. And class, I taught many students on both the platform, that is online and offline. So here I am to teach you all and to make you all masters of science, right? यहाँ से यहाँ आएंगे हम सब, right? Okay. So class, yes, you can ace your school. This word is really important. You know, it's you are really lucky. This An Academy, it's one of the best and you know biggest platforms, biggest study platform. And why I'm saying this, you will get टॉप एजुकेटर्स, यू विल बी लर्निंग अंडर देम, ठीक है? टॉप एजुकेटर्स आपको सिखाएंगे, आपके डाउट्स क्लियर करेंगे, आपको नोट्स प्रोवाइड करेंगे, राइट? पूरे टाइम तो यही दिमाग में रहता है कि नोट्स बनाने, एग्जाम आने वाले, ठीक है? तो आपको नोट्स भी प्रोवाइड करे जाएंगे. सो क्लास, वॉट यू कैन डू इज यू नो यू विल बी जस्ट डाउनलोडिंग द ऐप अन अकेडमी लर्नर्स ऐप. इट इज इजिली अवेलेबल इन द प्ले स्टोर, प्ले स्टोर पे बहुत इजिली अवेलेबल है, ठीक है?
सब्सक्रिप्शन आप वहां पर जाके जैसे ही आप डाउनलोड करोगे आपको सब्सक्रिप्शन के लिए पूछा जाएगा. यू कैन यूज दिस कोड, दिस ऑफर इज गोइंग ऑन. ये आप कोड यूज कर सकते हो RAY10. आपको फ्लैट 10% ऑफ मिलेगा. क्लास दिस इज योर बेनिफिट. ठीक है, अभी आप पढ़ रहे हो YouTube पे. दिस इज द डिफरेंस बिटवीन YouTube एंड यू नो व्हाई यू नीड टू टेक सब्सक्रिप्शन. योर फोकस एरिया विल बी इंक्रीज्ड. आपको गाइडेंस गाइडेंस के लिए कर रहे होते हैं. अगर मैं अभी आपको बोलूं कि आप ना ट्यूशन ले लो, ट्यूशन आप सबके साथ लोगी या फिर आप पर्सनल ट्यूटर लोगी? पर्सनल ट्यूटर. व्हाई? बिकॉज वहां पर आपको गाइडेंस अच्छी मिल रही है, फोकस आपका ज्यादा है. राइट, सो क्लास किस चीज की दे रही, व्हाट यू आर वेटिंग फॉर? Right? So, go quickly after this session, download the Unacademy Learners app and just take the subscription. So, aapke liye hi a little hai. I'll tell you the list. This can you see over here? Class 9, 10, 11 and 12. So, this is the subscription pitch. So, class, this is a two list. Number one list and two list. You can see kuch money mein difference aa raha hai. So, class, kyun difference hai? आप ये जो मैं अभी बोल रही थी, ये जो ऑफर चल रहा है RAY10, अगर आप ये यूज करते हो, सो अगर फॉर एग्जांपल आप 48 मंथ का लेते हो, सो यहाँ पर यू आर पेइंग 833 पर मंथ और यहाँ पर यू आर पेइंग 750 पर मंथ. हो गया ना कम जस्ट बाय यूजिंग दिस कोड. ठीक है, आई विल रिकमेंड यू टू टेक, यू नो बेस्ड ऑन योर कंफर्टेबिलिटी यू कैन टेक, बट आई विल रिकमेंड कि आप 48 मंथ का लो. क्योंकि आप यहाँ पर देखो, अगर आप 3 मंथ का भी लेते हो तो आप एक यू नो ओनली इन अ मंथ आप इतना स्पेंड कर दोगे, जबकि यहाँ पर यू विल बी जस्ट पेइंग 833. नॉट इवन दैट, 10% ऑफ, 10% ऑफ तब कितना हो गया, 750 पर मंथ. दैट्स इट. सो क्लास किसी चीज की देरी नहीं है, गो एंड 67% ऑफ टेक इट. इफ यू वांट टू टेक फॉर 48 मंथ दैट विल बी ग्रेट, नहीं लेना 36 मंथ 24 मंथ. सो दिस इज बेस्ड ऑन योर कंफर्टेबिलिटी. ठीक है, ओके. सो क्लास यू नो व्हाई आई एम आस्किंग यू टू टेक सब्सक्रिप्शन, दीज आर सम फीचर्स. क्योंकि अभी आप सोच रहे होंगे मैम हम तो यूट्यूब भी तो पढ़ रहे हैं तो हम सब्सक्रिप्शन क्यों ले, है ना? तो ये ना मेरे भी दिमाग में था कि क्यों लेना चाहिए, बट मैंने जब ये देखा ना सब्सक्रिप्शन पिच, मैंने ये पिच भी देखा, अरे 750 इतने का तो खाना ही मैं यू नो पार्टी कर करके खत्म कर देते, तो क्यों ना हम थोड़ा सा पढ़ लें, थोड़ा सा मनी इन्वेस्ट अगर यहाँ कर दें तो हम यहाँ से यहाँ आने के ज्यादा चांसेस हैं, सो व्हाई नॉट टू इन्वेस्ट इट. फिर मैंने देखे यहाँ पर कुछ फीचर्स भी हैं, तभी मेरे को सब्सक्रिप्शन लेने का बहुत मन करा. ठीक है, सो यहाँ पर देखो, यू विल बी लर्निंग एट योर होम. कंफर्ट, कंफर्ट में कमी नहीं होनी चाहिए. ठीक है, कंफर्ट, आप अपने घर पे बैठ के क्लासेस ले सकते हो. एंड अनलिमिटेड एक्सेस ऑफ कोर्स, कोई मर्जी कोर्स लेना है, एक बार सब्सक्रिप्शन आप लो, आपके पास जो मर्जी आपको कोर्स लेना है दैट विल बी अनलिमिटेड, यू कैन टेक इट. टॉप एजुकेटर्स आपको पढ़ाएंगे, हाँ, एंड आपके रेगुलर डाउट सेशंस होंगे. ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है क्लास. अभी यूट्यूब पे क्या होता है, यूट्यूब पे आप क्लासेस लगा रहे हो, आप सुन रहे हो, लेकिन डाउट तो रह रहे हैं ना. डाउट यहाँ पर अनअकैडमी क्लियर करता है. आपके जो टॉप एजुकेटर्स हैं वो हर एक बच्चे पे गाइडेंस होती है, एंड बोर्ड एजुकेटर्स आपको पूरा हेल्प करते हैं थ्रू आउट योर टेन्योर. ठीक है, ओके. फुल कवरेज ऑफ सिलेबस, सिलेबस आपका पूरा कवरेज होगा. ऐसे डरना नहीं कि मैम अभी तो हम यही चैप्टर कर रहे हैं, वो कब करेंगे. पूरा कवर होगा आपका सिलेबस बहुत अच्छे से, बहुत डीपली. और गाइडेंस होगी, स्टडी मटेरियल प्रोवाइड किए जाएंगे. ये जो मैं बात कर रही थी नोट्स के बारे में, तो स्टडी मटेरियल दिए जाएंगे, प्रैक्टिस टेस्ट दिए जाएंगे. क्लास आपको गूगल करने की जरूरत नहीं है कि गूगल कर रहे हो, टाइम वेस्ट कर रहे हो, आप सीधा आपको हम काम करके देंगे. ठीक है, हम डाउट क्लियर करेंगे आपका, हम ही आपको प्रैक्टिस टेस्ट देंगे, आपको स्टडी मटेरियल देंगे, आपको जस्ट आना है, दैट्स इट. लाइव टेस्ट सीरीज होंगे, राइट? सो दीज आर दी सच अ ग्रेट फीचर्स. सो आप डेफिनेटली नाउ आफ्टर सीइंग दिस फीचर्स, इट्स ऑन यू टू यू नो वेदर यू वॉन्ट टू टेक अ सब्सक्रिप्शन, वेदर यू नीड टू बी फोकस्ड टुवर्ड योर स्टडीज और नॉट. ठीक है, सो हमने दीज आर सम आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन. For example, personal mentor. So personal, so it will be a personal guidance. Ki, you know, if that will be great. Agar hamara personal guidance hota hai, teacher aapki weakness and strength bahut acche se janta hai, right?
सो आपके ज्यादा इंप्रूवमेंट होने की चांसेस हैं। लाइव डाउट सॉल्विंग होगा, वीकली रिपोर्ट, दिस इज ऑल्सो रियली इंपॉर्टेंट। बच्चे टेस्ट तो देते रहते हैं लेकिन रिपोर्ट नहीं मिल रही है, कहाँ कम हो रहे हैं कहाँ ज्यादा हो रहे हैं, वीकली रिपोर्ट विल बी प्रोवाइडेड। Parent contact. So basically, you know, if you are studying at your home, so it's really important for teacher also and for parents also to connect with each other, right? ऐसा तो नहीं है कि अभी आपको पढ़ने का टाइम है एंड आप साइमल्टेनियसली घर में कहीं और इंडल्ज हो। सो दैट्स वाई पेरेंट्स के साथ भी कनेक्ट होते हैं कि ये स्टडी मटीरियल है, ऐसा हमारा प्रोसीजर होगा, एंड पेरेंट्स के दिमाग में भी रहता है कि ये यू नो बच्चा ऐसे काम करने वाला है, तो बीच में कोई हर्डल नहीं आएगा, ठीक है। स्टडी प्लानर होगा, फुल टाइम टेबल आपका हम ही सेट करके देंगे इन आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन, एंड आपको बस सब्सक्रिप्शन लेना है और इन सारे बेनिफिट्स को उठाओ, व्हाई नॉट टू अवेल इट, राइट। आपको YouTube पे ये सारे बेनिफिट्स नहीं मिलेंगे, आप आओ क्लासेस लो एंड आप जा रहे हो, लेकिन सब्सक्रिप्शन अगर आप ले रहे हो दैट विल बी हेल्पिंग यू, विल बी इंक्रीजिंग द फोकस एरिया ऑफ योर्स, राइट। तो क्लास हम पिछले बहुत क्लासेस से कंसंट्रेशन ऑफ ओर के बारे में पढ़ रहे हैं। क्या होता है ये, फटाफट से जो बच्चे मेरी रेगुलर क्लासेस ले रहे हैं जिनको पता है मैम कंसंट्रेशन ऑफ ओर तो ये होता है, तो फटाफट कमेंट बॉक्स में लिख दो कंसंट्रेशन ऑफ ओर का मतलब भी आपके सामने लिखा हुआ है। जो बच्चे आज फर्स्ट टाइम क्लासेस लगा रहे हैं सो वो भी एक बार देख सकते हैं। जो कंसंट्रेशन ऑफ ओर है क्या मतलब, बेसिकली बस याद रखो सेपरेशन, किस चीज का सेपरेशन, गैंग और का सेपरेशन। क्या होता है गैंग, मैम गैंग होती है इम्प्योरिटीज, इम्प्योरिटीज होती है गैंग, और बाकी का बचा कुचा मैटर को कहते हैं हम और, ठीक है। सो किसकी सेपरेशन, एक गैंग दैट इज इम्प्योरिटीज और की सेपरेशन को हम कहते हैं कंसेंट्रेशन ऑफ और। तो क्लास हमने इसके अंदर बहुत सारे प्रोसेसेस आते हैं, है ना, जैसे फॉर एग्जांपल आपको मैं अगर हल्दीराम का पैकेट दे दूं, है ना, वो क्या है, एक मिक्सचर ही है, राइट। तो पूरा हल्दीराम का पैकेट इज अ मिक्सचर, मिक्सचर ऑफ पीनट, मिक्सचर ऑफ यू नो मे बी आलमंड एंड मिक्सचर ऑफ मेनी अदर आइटम्स। तो वो पूरा एक मिक्सचर है, मैंने आपको बोला कि क्लास इसका कंसेंट्रेशन ऑफ और कैसे करोगे, मतलब बेसिकली सेपरेशन कैसे करोगे, ठीक है। सेपरेशन तो पता ही है, अलग कैसे करूंगे इम्प्योरिटीज और को। फॉर एग्जाम्पल मैंने बोला इम्प्योरिटीज इज पीनेट फ्रॉम रेस्ट ऑफ द मैटर, सो हाउ यू विल सेपरेट, मैम हम अपना जादुई हाथ यूज करेंगे, है ना, हम क्या करेंगे फटाफट से सारे पीनेट हाथ से उठा के साइड में कर देंगे। बट देर आर सम अदर प्रोसेसेस ऑल्सो, वाई दैट प्रोसेसेस, बिकॉज हमारे सारे प्रोसेसेस अपने जादुई हाथ से हम नहीं कर सकते। हम हाँ हम उनको कुछ एक्सपेरिमेंट से कर सकते हैं, वो भी हमें हाथ चाहिए, बट अगर हम कहें सिर्फ हैंड पिकिंग तो नो, हम उनसे नहीं कर सकते। सो जैसे कि कुछ प्रोसेसेस हैं ये, फिल्ट्रेशन, मैग्नेटिक सेपरेशन, सब्लिमेशन, सेपरेटिंग फनल, इवेपोरेशन, क्रिस्टलाइजेशन, डिस्टिलेशन, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, क्रोमैटोग्राफी एंड सेंट्रीफ्यूगेशन। सो क्लास ओवर हियर हम बहुत सारे कंसंट्रेशन ऑफ ओर पढ़ चुके हैं। जो बच्चे आज फर्स्ट टाइम क्लास लगा रहे हैं वो मेरी क्लास यू नो क्लास अपार्ट चैनल पे आप मेरा प्लेलिस्ट देख सकते हो, उस पे हमने हर एक प्रोसेसेस को, बिकॉज ये ना क्लास ट्रस्ट मी बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस है, सो हम ऐसे ही अगर मैं चाहूँ तो मैं एक दिन में ये सारे प्रोसेसेस आपको फटाफट से करा सकते हैं, लेकिन वही क्या फायदा उसका, हमें बहुत अच्छे से समझना है ना, तभी हम हर एक क्लास एक एक प्रोसेसेस के ऊपर निकाल रहे हैं, उसको बहुत डीपली समझ रहे हैं, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू भी देख रहे हैं कि एग्जाम में आ गया तो क्या डायग्राम बनानी है, कैसे नोट्स लिखने हैं, और सिर्फ लिखने ही नहीं है समझना भी है, और वो समझ हम कैसे रहे हैं, हम एक्सपेरिमेंट, हमने पूरा केमिस्ट्री को फन बना के पढ़ना है, ठीक है। और ये फन कैसे होगा, एक तो यू नो आपको भी बहुत इच्छा होनी चाहिए पढ़ने की, एंड वहां पर हम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, एक्सपेरिमेंट्स इतने एक्सपेरिमेंट्स कर रहे हैं कि वो इवेंचुअली आपको इतनी इंटरेस्टिंग लगेगी केमिस्ट्री दैट आप बस बैठे बैठे देखते रहो। केमिस्ट्री आपको पहले बहुत वेग कॉन्सेप्ट लगता होगा, अच्छा ये केमिकल है, ये केमिकल इससे मिलके ये बन जाएगा, बट नाउ हम करके देखेंगे मैम, जो देख सकते हैं हम वही होगा,
ठीक है, करके अगर कर पा रहे हो देन इट इज राइट। ओके क्लास, हम अपनी प्रीवियस क्लासेस में फिल्ट्रेशन के बारे में पढ़ चुके हैं, मैग्नेटिक सेपरेशन के बारे में भी पढ़ चुके हैं। क्या होता है फिल्ट्रेशन और मैग्नेटिक? फिल्ट्रेशन में आप बहुत डिटेल में देख सकते हो हमने क्या किया था, मड और वाटर को सेपरेट किया था। मैग्नेटिक सेपरेशन में हमने आयरन फिलिंग एंड प्लस सॉयल को सेपरेट किया था। हमने सब्लिमेशन भी किया है, सब्लिमेशन के बाद हमने सेपरेटिंग फनल करा है, इवेपोरेशन भी हम कर चुके हैं, क्रिस्टलाइजेशन अभी बचा हुआ है, क्रिस्टलाइजेशन नहीं किया, हमने डिस्टिलेशन कर लिया है, नॉट क्रिस्टलाइजेशन, हमने डिस्टिलेशन कर लिया है, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, तो हम किस किस से रह गए, क्रिस्टलाइजेशन, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, क्रोमैटोग्राफी एंड सेंट्रीफ्यूगेशन। अरे वाह, हम तो एंड में आने वाले हैं, हमारे सिर्फ चार प्रोसेसेस रह गए, हम सिक्स प्रोसेसेस ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। आज की क्लास इन चारों में से किसी एक टॉपिक के ऊपर होगी, ठीक है, थोड़ा सा मैं हिंट दे रही हूँ कि ये चार टॉपिक में से किसी एक पे होगी एंड वो आप बहुत इजीली से गेस कर सकते हो। अगर आपको कोई आइडिया नहीं आ रहा कि हम क्या होता है क्रिस्टलाइजेशन, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन क्या होता है, इधर क्रोमैटोग्राफी, इधर सेंट्रीफ्यूगेशन क्या होता है, आप मेरी क्लासेस को अभी बहुत ध्यान से सुनो, आप देखना मेरे नाम देने से पहले आप मेरे को आंसर बता दोगे, मैम हम ये यू नो इन फोर में से ये प्रोसेस कर रहे हैं, ठीक है, आई एम वेटिंग फॉर योर रिस्पॉन्सेस, सो जस्ट लिसन यू नो एज सून एज यू गॉट टू नो रिप्लाई इन द कमेंट बॉक्स इटसेल्फ, ठीक है। सो क्लास नाउ विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम वी कैन स्टार्ट अ सेशन। सो क्लास, आप मेरे बैकग्राउंड में देख सकते हो हमने ऐसी एक्सपेरिमेंट ऑलरेडी कर चुके हैं, क्या किसी को याद है, हमने ये ऐसे यूटेंसिल और हमने ऐसे यू नो ग्लास में कुछ मिक्सचर है ये यू नो एंड ये एक्सपेरिमेंट हमने लास्ट टाइम कब किया था और ये एक्सपेरिमेंट क्या है, सोचो 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 क्लास, आपको याद है? चलो ठीक है, मैं आपको हिंट देती हूँ, आप अपने कपड़े अगर आप सुखा दे जाते हो, आपके कपड़े पहले हैं बहुत गीले, है ना, बहुत ज्यादा गीले, अभी भी धोए गीले हैं, आपने क्या किया, उनको बाहर सुखा दिया, बहुत तेज धूप आ रही है, आपने बाहर वायर पे सुखा दिया कपड़े, तो एक घंटे में यू नो अगर बहुत तेज धूप है तो आधे घंटे में सूख गए, सारे कपड़े सूख गए, कैसे, क्या प्रोसेस हो रहा है इसके पीछे कि सारे कपड़े सूख गए? सो क्लास यस, इसके पीछे जो प्रोसेस है दैट इज इवेपोरेशन। तो आज ये जो एक्सपेरिमेंट है हम हल्का सा आज का सेशन स्टार्ट करने से पहले इवेपोरेशन के बारे में देखेंगे। तो आप देख सकते हो हमने क्या किया, ये एक मिक्सचर है जिसके अंदर हमने सॉल्ट मिक्स किया, सी हमने एक स्पून सॉल्ट ऐड किया है वाटर के अंदर और हमने बहुत अच्छे से मिक्स किया था इवेपोरेशन प्रोसेस में। यहां से आपका इवेपोरेशन का रिकैप हो जाएगा आज की क्लास में। व्हाई आई एम टेलिंग यू दिस एक्सपेरिमेंट, बिकॉज कुछ लिंकेज है, आप देखोगे आगे कि ये इवेपोरेशन का कैसे लिंकेज है आज के प्रोसेस, ठीक है। सो हमारा ये मिक्सचर रेडी हो गया है, पूरा सॉल्ट जो सारा सॉल्ट था डिसॉल्व हो गया है, आप देख सकते हो बिल्कुल ऐसा नहीं है वो डिसॉल्व नहीं हुआ है। हम यहाँ हीट प्रोवाइड करेंगे और हम क्या करेंगे, ये सारे सॉल्ट वाले मिक्सचर को एक गरम से यूटेंसिल में रख देंगे, यू नो डाल दिया एंड नाउ वी आर वेट, हाथ पे हाथ रख लो, वेट करो कि क्या होगा। चलो चलो देखो देखो कुछ ना वाइट वाइट आ रहा है ना, वाइट वाइट आ रहा है, और वेट करो क्या हो रहा है, इवेपोरेशन हो रहा है मैम, इवेपोरेशन हो रहा है कि हमारा जो पानी है वो इवेपोरेट हो रहा है, वो गैस बन रहा है, पानी देखो बचा ही नहीं है, गैस बन गया और पीछे क्या रह गया, ये वाइट वाइट सॉल्ट रह गई मैम, यस दिस इज इवेपोरेशन। और अब आप क्या कर सकते हो, इसको आप स्क्रैच आउट कर सकते हो सारे सॉल्ट को, आपका पानी उड़ गया, पानी इवेपोरेट हो गया, सॉल्ट बच गया, सो दिस इज द इवेपोरेशन प्रोसेस, ठीक है। अब आया कुछ याद कि यस मैम हमने तो यही करा था इवेपोरेशन प्रोसेस में। ओके क्लास, द इम्पोर्टेंट थिंग दैट आई वांट टू टेल यू एंड यू हैव टू यू नो यू शुड लर्न, हमने ये ना फर्स्ट क्लास में भी, फर्स्ट लेसन जब हम चैप्टर वन कर रहे थे उसमें भी डिस्कस किया था कि सॉल्यूट क्या होता है, सॉल्वेंट क्या,
ये देखो पहले पूरा स्क्रैच आउट कर दिया ना, तो यहां से आपका क्या हुआ, सॉल्ट बन गया। अच्छा आप पीछे पे फोकस मत करो, हमने देखा था सॉल्यूट क्या है, सॉल्वेंट क्या है। तो बेसिकली ये जो पूरा पानी है ये सॉल्वेंट, और आपने क्या डाला, सॉल्यूट डाला, ठीक है। जो कम क्वांटिटी में होता है उसे हम क्या कहते हैं, सॉल्यूट, ठीक है। एंड जो ज्यादा क्वांटिटी में था जैसे वाटर, उसे हमने कहा सॉल्वेंट। तो सॉल्वेंट इवेपोरेट हो गया एंड सॉल्यूट पीछे रिमेनिंग रह गया। तो क्लास ये था ऑल अबाउट इवेपोरेशन। आज की क्लास में हम ये देखेंगे ये इवेपोरेशन प्रोसेस हमारे आज के सेशन से कैसे इंपॉर्टेंट है। तो हमारा फेवरेट एक्सपेरिमेंट दैट इज, मेरा तो वन ऑफ फेवरेट है, बहुत ही बहुत प्यारा लगता है। सी हमने ना क्या किया, यहाँ आप देख सकते हो इंक की बॉटल है ना, और ये क्या है, पूरा आपके पास वाटर वाला बीकर है, बीकर है जिसके अंदर आपने क्या किया है, वाटर को ऐड किया है, ठीक है। सो क्लास ओवर हियर, मुझे व्हाई आई रियली लाइक दिस एक्सपेरिमेंट, कैन यू सी कलर कैसे स्पिल हो रहा है, बहुत ही प्यारे तरीके से कलर, कितना प्यारा लग रहा है। सो आई रियली लाइक दिस कलर, द फ्लो ऑफ द कलर इन वॉटर। सो आज पता है क्लास, आज के हम स्टार्ट करते हैं क्लास को एक छोटे से एक्सपेरिमेंट। हम आगे जाके बहुत सारे एक्सपेरिमेंट करने वाले हैं, ठीक है। ये मत सोचना मैम ने बस इतना एक्सपेरिमेंट करना था, नो आज का सेशन इस छोटे से एक्सपेरिमेंट से स्टार्ट हो रहा है और आगे बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स हैं। तो आप सब जुड़े रहिए और आगे के भी एक्सपेरिमेंट्स आपको देखने को मिलेंगे। सो क्लास हमने क्या किया, हमने लिया इंक एंड उसमें हमने क्या किया, एक ड्रॉप हमने ऐड किया वाटर में, ठीक है। सो नाउ एज यू ऑल नो दैट सॉल्वेंट क्या हो गया, एवरीवन राइट इन द कमेंट बॉक्स, सॉल्वेंट क्या है यहाँ पर एंड सॉल्यूट क्या है। आई एम सेइंग व्हाट इज सॉल्वेंट एंड व्हाट अबाउट सॉल्यूट, दोनों में सॉल्वेंट ये इंक एंड वाटर, सॉल्वेंट क्या है एंड सॉल्यूट क्या है। सो क्लास सॉल्वेंट हमने यही पढ़ा था, जो लेस क्वांटिटी में हो, सॉल्वेंट नो जो मोर क्वांटिटी में हो दैट इज सॉल्वेंट, ठीक है, दैट इज सॉल्वेंट। एंड जो सॉल्यूट क्या होता है, जो लेस क्वांटिटी में है उसे हम क्या कहते हैं, सॉल्यूट। कंफ्यूज नहीं होना है मैम, सॉल्वेंट क्या होता है, सॉल्यूट क्या होता है। सॉल्वेंट में आप इसको याद रख सकते हो, सॉल्वेंट देखो बड़ा लेटर है, राइट, हमारे पास ऐसे बड़ा सा लेटर लग रहा है। ओके नाउ आप देखो 1 2 3 4 5 6 7 सेवन वर्ड्स है, 1 2 3 4 5 6 6 है, तो 6 7 वाले लेटर, तो दैट्स व्हाई मोर क्वांटिटी। तो ओवर हियर व्हिच इज द मोर क्वांटिटी, वन ड्रॉप ऑफ इंक इधर दिस फुल ग्लास ऑफ वाटर, ऑफ कोर्स फुल ग्लास ऑफ वाटर, सो वाटर विल बी द सॉल्वेंट एंड इंक ओवर हियर इज सॉल्यूट। आई होप क्लास दिस इज क्लियर टू एवरीवन। हमने ये इवेपोरेशन वाले प्रोसेस में भी पढ़ा था कि हमारा सॉल्ट क्या है, सॉल्ट इज सॉल्यूट एंड देखो सॉल्ट इज सॉल्यूट, ओके, एंड सॉल्वेंट क्या है, सॉल्वेंट इज वाटर, और हमने इवेपोरेट करके सॉल्वेंट उड़ा दिया था, सॉल्यूट रह गया। ओवर हियर नाउ वी हैव इंक एंड वाटर, ठीक है, हमने क्या किया, इंक और वाटर को मिक्स कर दिया। नाउ वी हैव अ मिक्सचर, किस चीज का मिक्सचर, इंक एंड वाटर का मिक्सचर है। आई एम सेइंग क्लास क्या आप इसको सेपरेट कर सकते हो, एक इंक है उसमें तो सॉल्ट था, ठीक है, सॉल्ट और वाटर था, तो आपने इवेपोरेशन यूज कर लिया था कि सॉल्ट पीछे रह गया और पानी उड़ गया। अगर मैं आपको बोलूं ये इंक और वाटर इसको सेपरेट कर सकते हो, कर सकते हो, तो कौन सा प्रोसेस, सोचो 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 कौन सा प्रोसेस है। हमने अभी रिसेंटली पढ़ा था और मैं आपको पता है बहुत हिंट दे चुकी हूँ स्टार्टिंग से, मैं आपको हिंट दे रही हूँ, आपको गेस तो चुटकियों में कर देना चाहिए। क्लास देखो हमारा इंक और वाटर बहुत आराम से ये सेपरेट हो सकता है, बट कैसे, यस क्लास, तो ये भी एक इवेपोरेशन प्रोसेस के साथ सेपरेट हो। हमारे पास एक मिक्सचर है इंक और वाटर का, हम क्या करेंगे, हमने वाटर लिया और उसमें हम क्या ऐड कर रहे हैं,
हम इंक ऐड कर रहे हैं। हमने पहले एक वाटर और सॉल्ट को ऐड किया था, उसका मिक्सचर बनाया था। अब हमने ये देखो, हमारे पास जो मिक्सचर है वो है इंक एंड वाटर का, ठीक है क्लास। हम क्या कर रहे हैं, इसको हीट, ये आप घर पे भी ट्राई कर सकते हो। क्या होगा सोचो, सॉल्ट और वाटर में क्या हुआ था, हमारा जो सॉल्वेंट था वाटर वो इवेपोरेट हो गया था। यहाँ देखो आफ्टर 3-4 मिनट्स यहाँ पर देखो पानी कम हो रहा है ना, पानी कम हो रहा है। तो अभी हमारा क्या लेफ्ट आउट रह जाएगा, पानी और कम हो रहा है। और वेट करो, ऐसा नहीं है एक मिनट में हो जाएगा, इट विल टेक टाइम। क्या है, आपको हीट पे डिपेंड करता है, ये कैंडल है तो थोड़ा सा ज्यादा टाइम लगेगा, आप और ज्यादा हीट दो तो और कम टाइम लगेगा। क्या देखो पानी बचा है कि नहीं, देखो पानी गिर भी नहीं रहा, पानी उड़ गया आफ्टर 10-15 मिनट्स, पानी है ही नहीं, उड़ गया। क्या क्या कहते हैं इसको, इवेपोरेशन। तो इंक एंड वाटर को भी हम सेपरेट इवेपोरेशन प्रोसेस से कर सकते हैं, ठीक है क्लास। नाउ एक क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन इज दैट क्या ये जो ब्लैक कलर आपने सेपरेट किया है, एक मिक्सचर था, मैंने बोला इस मिक्सचर को कोर कंसंट्रेशन ऑफ कोर करना है। तो बेसिकली अब नाउ आई एम आस्किंग यू नो, नाउ आई एम आस्किंग कि आपके पास एक ब्लैक कलर, आपने इवेपोरेशन प्रोसेस से क्या किया, आपने ब्लैक कलर अलग कर दिया और वाटर को अलग कर दिया, ठीक है मैम। अब तो शायद ये ना होमोजेनस हो गए होंगे, राइट, कि नॉट होमोजेनस, अब हमारे क्या हो गए होंगे, ये मैम सेपरेट हो गए होंगे एंड प्योर। क्या ये सच में प्योर है, क्वेश्चन इज दिस, क्या ये ब्लैक कलर जो हमने इवेपोरेट करके, इतना बड़ा प्रोसेस करके, वेट करके 30 मिनट वेट करके एक ब्लैक कलर को एक्सट्रैक्ट किया है वाटर से, क्या ये प्योर है। हाँ हमने फर्स्ट चैप्टर में बहुत चीज पढ़ी थी, राइट, मैटर क्या होता है, एंड सेकेंड चैप्टर को हमने स्टार्ट ही इसी से किया था, क्या प्योर है क्या प्योर नहीं है। तो बताओ ब्लैक कलर क्या प्योर है। आई नो यहाँ पर अब ना आप कंफ्यूज हो रहे होंगे कि मैम ये तो प्योर है, हमारे पास बिल्कुल ब्लैक कलर है, राइट, हमें भी कोई और कलर तो नहीं दिख रहा है, तो ब्लैक कलर निकल गया, पानी एक जगह निकल गया, दोनों प्योर है। बट यही तो मिस्टेक कर गए, यही गलती हो जाती है क्लास। हमारा यहाँ पर जो ब्लैक कलर आपने इवेपोरेशन से निकाला है वो आपका प्योर नहीं है। अरे क्या बोल दिया मैम ने, हमने बचपन से तो क्या पढ़ते हुए आ रहे थे क्लास, ब्लैक कलर इज नॉट अ प्योर कलर। आपने कभी पेंटिंग करी होगी, जो बच्चे बहुत इंटू है पेंटिंग में उनका पता होगा आप ब्लैक कलर कैसे फॉर्म करते हैं। ऐसा तो नहीं है, ओके ठीक है ब्लैक कलर ऐसे पेंट आता है आप यूज कर लेते हो, जस्ट सपोज आपका वो पेंट खत्म हो गया, ठीक है आपका वो पेंट खत्म हो गया ब्लैक कलर का। नाउ ब्लैक कलर सबको बहुत यूज होता है ना पेंटिंग के अंदर, तो अब आपको करना है यूज, आप क्या करोगे, मार्केट भी क्लोज होगी, हो गया कोविड हो गया, ठीक है कभी लॉकडाउन चल रहा है एंड सारी मार्केट क्लोज है। ये नहीं कि मैम मैं तो स्टेशनरी से जाके हम एक और खरीद लाएंगे ये नहीं करना, वी हैव टू यूज आवर माइंड। हम क्या करेंगे, हमारे पास बाकी दुनिया के सारे कलर हमारे पास अवेलेबल है, बस ब्लैक कलर नहीं है। हम क्या करेंगे, हमने ट्राई किया, चलो हम एक रेड लेते हैं, कोई भी रेंडम कलर, ठीक है रेड ले लिया, फिर ग्रीन ले लिया, येलो ले लिया, ठीक है ऑरेंज ले लिया, हमने ऐसे बहुत सारे कलर्स उठाए क्योंकि हमें और कुछ तो है नहीं, यही उठाएंगे, उठाए सबके कैप्स खोले, अब चलो करो करने लगे पेंटिंग। हमने कलर डाला सारे से, येलो पहले, रेड डाला फिर येलो फिर ग्रीन फिर ऑरेंज, और भी दो चार कलर जितने भी याद है वो सब भी डाल दो, उनको करो मिक्स, आपका क्या कलर बनता है वो मिक्स करके, क्या वो कोई प्योर कलर देगा। आपने इतने सारे कलर मिक्स कर दिए, क्या कलर देगा, वो ब्लैक कलर देगा, बिल्कुल ऐसा जैसा मैंने पहन रखा है, जैसा इस टी शर्ट का कलर है ब्लैक, वैसा कलर उसका यू नो आफ्टर मिक्सिंग ऑल द कलर्स आपको ब्लैक आएगा। नाउ अब आपको समझ आ रहा है हल्का सा हिंट कि मैम हाँ आप तो सही कह रहे थे कि हमारा जो ब्लैक कलर हमने इवेपोरेशन प्रोसेस से जो एक्सट्रैक्ट किया है, जो सेपरेट किया है वाटर से, वो प्योर है ही नहीं, क्योंकि वो ब्लैक कलर के अंदर आप देखोगे और भी बहुत सारे कलर्स को मिला के ब्लैक कलर को बनाया गया है।
जैसे कि ये देखो, हमारे पास ये आपको मिड में दिख रहा है ब्लैक कलर, ये दिख रहा है कैसे बना, हमने ब्लू कलर भी हमारा मिक्स हो रहा है, पर्पल भी मिक्स हो रहा है, रेड भी, ऑरेंज, ग्रीन, येलो, इतने, और ऊपर से व्हाइट तो है ही, देखो पीछे व्हाइट है, तो इतने सारे कलर को मिक्स करके हमारा बना ब्लैक, है ना। हम सही बोल रहे थे कि ब्लैक एक प्योर कलर नहीं है, हम अगर गेंद भी नहीं बोल सकते कि यू नो, अगर मैं बोल रही हूँ रेड कि और या फिर येलो कि ये तो रेड कलर, ये तो प्योर कलर है, येलो इज अ प्योर कलर, ठीक है, नो, येलो इज नॉट अ प्योर कलर। येलो को भी बहुत सारे कलर्स, अगर आप अभी जो हम प्रोसेस पढ़ रहे हैं उस प्रोसेस से आप चुटकियों से बता सकते हो क्या ये प्योर है, और अगर नहीं है सो क्या क्या कलर्स इसके अंदर ऐड हुए हैं, ठीक है। सो अभी तक बस यही देखो, अभी हमने जो पढ़ा, अब आपको समझ आ रहा होगा कि हमने इवेपोरेशन के बारे में क्यों पढ़ रहे थे, क्योंकि हमने उसको लिंक करा एक इंक की बॉटल से। इंक हमने सॉल्ट और वाटर का इवेपोरेशन पढ़ा, जहां पर सॉल्ट एक सॉल्यूट है एंड वाटर इज सॉल्वेंट, उन दोनों को इवेपोरेशन प्रोसेस से वाटर इवेपोरेट हो गया एंड सॉल्ट पीछे रह गया, है ना। और अगर मैं यहाँ पर बात करूं, इंक भी उसी इवेपोरेशन प्रोसेस से, इंक अगेन सॉल्यूट था एंड वाटर सॉल्वेंट, तो वाटर इवेपोरेट हो गया, उड़ गया, एंड सॉल्वेंट जो यू नो जो सॉल्यूट था दैट इज ब्लैक, वो पीछे रह गया, है ना। और ऊपर से ब्लैक इज ऑल्सो नॉट प्योर, ब्लैक में भी बहुत सारे कलर मिक्स है। जैसे कि अगर मैं बात करूं लेमनेड की, ओ माय गॉड, लेमनेड, इतनी गर्मी में बहुत मजा आता है लेमनेड पी के, है ना। सो लेमनेड की अगर मैं बात करूं, सो क्लास ओवर हियर, मैं क्या इसको बोल सकती हूँ कि मैम ये तो सिर्फ लेमन से बना है और कोई भी इंग्रेडिएंट इसके अंदर ऐड नहीं करें, क्या मैं बोल सकती हूँ? नो, अ बिग नो। मैंने सिर्फ लेमन यूज करके इस लेमनेड को नहीं बनाया, ओके, नहीं बनाया। सो और क्या क्या चीजें यूज करी हैं? ओके, इसके अंदर मैम हमने यूज किया है लेमन तो करा ही करा है, हमने साथ में यूज करा होगा सॉल्ट, हमने सॉल्ट भी यूज किया है, ज्यादा यू नो नमकीन नमकीन नहीं, थोड़ा सा अच्छा भी लगना चाहिए, शुगर, खट्टा मीठा, तो हमने शुगर भी ऐड करी और लेमन तो है ही, ठीक है। सो हमने यहाँ देख पा रहे हो क्लास, अब इस वाले एग्जाम्पल को आप ब्लैक कलर से रिलेट कर, हमने जो ब्लैक कलर के बारे में पढ़ा कि इसके अंदर बहुत सारे कलर इंक्लूडेड हैं, जैसे कि रेड ले लो या येलो या फिर ग्रीन, ठीक है, एंड जो भी कलर आ रहा है ऑरेंज, सो बेसिकली इतने कलर्स को मिला के आपका ब्लैक कलर बना है। सेम विद लैमिनेट, अगर आपको ब्लैक कलर से समझ नहीं आया आप लैमिनेट से समझ लो, लैमिनेट भी एक अलग मिक्सचर है जिसको हम ये नहीं कह सकते कि इसमें ओनली ओनली सॉल्ट है और या फिर ओनली लेमन है, नो, इसके अंदर सॉल्ट भी है, शुगर भी है, लेमन भी है, मिक्सचर है दो सब्सटेंसेस ज्यादा का, है ना। सो क्लास एक और बार बढ़ते हैं हम एक एक्सपेरिमेंट की तरह, एक्सपेरिमेंट करना तो सबको पसंद होगा, है ना। क्या देखो, ये दोनों बच्चे भी एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, आप भी कर सकते हो। सो क्लास हमने स्टार्टिंग में एक एक्सपेरिमेंट करा जो एक इवेपोरेशन के रिलेटेड था, है ना, एक सॉल्ट और वाटर का एक्सपेरिमेंट देखा, उसके बाद देन वी डिड यू नो इंक एंड वाटर इसका एक्सपेरिमेंट, एंड ये दोनों इवेपोरेशन के रिलेटेड। हम स्लाइटली आज का जो टॉपिक है ना क्लास, हम स्लोली एंड इवेंचुअली उसको इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, सो आई होप दैट ऑल ऑफ यू आर वेरी अटेंटिव। ओके क्लास, नाउ फॉर द एक्सपेरिमेंट what we will be doing, we have a glass of water, clear water, iske andar koi impurities nahi honi chahiye, aisa nahi hai bahut hi aapne aur bhi you know mud hai ya phir koi aur impurities hai, no, it should be clear, you can see over here it is clear, right, okay, now what I will do, ye aapne na bachpan se kar rakhi hai, आप बहुत बार हर दिन, एंड मैं आप बताऊं ये रोज किचन में होता है। सो ये क्या हमारा एक्सपेरिमेंट है, मेरे पास टू बाउल्स हैं, बेसिकली एक में है सॉल्ट, हैव अ लुक, यू कैन सी अ सॉल्ट, ठीक है,
यहाँ पर है सॉल्ट, ओके। दूसरे बाउल में मेरे पास है शुगर, सॉल्ट एंड शुगर बहुत कॉमन यूज की जाती है किचन में, राइट। तो ये पूरे मेरी हाफ हाफ पूरे बाउल मेरी शुगर से है, एडेड है, ठीक है। सो नाउ व्हाट आई विल डू, आई विल ऐड दिस शुगर एंड वाटर इन दिस ग्लास। ऑफकोर्स मैंने बोला था ये हमारे किचन में रोज होता है, आप लेमनेड बनाते हो या फिर आप यू नो कहीं से चीनी चीनी और शुगर ऐसा सोचो जिसमें आप चीनी और शुगर ऐड करते है ना। तो बेसिकली हम क्या करेंगे, आज हम लेंगे सबसे पहले एक चम्मच आई हैव अ यू नो फुल टेबल स्पून, सो यू कैन यूज टेबल स्पून। व्हाट वी विल बी डूइंग, हम एक चम्मच क्या लेंगे, सॉल्ट, हमने ले लिया एक चम्मच सॉल्ट, ठीक है। फिर हम क्या करेंगे, इस सॉल्ट को हम मिला देंगे वाटर के अंदर, ठीक है। सॉल्ट को मैंने क्या कर दिया, वाटर के अंदर ऐड, यू कैन सी नीचे सेटल हो गया है सॉल्ट अभी, आई मिक्स अप। बट बिफोर मिक्सिंग हम क्या ऐड करेंगे, शुगर, ओके। अभी देखो हम क्यों कर रहे हैं, मैंने क्या किया, मेरे पास दूसरा बाउल है, मैंने इसमें मेरे पास शुगर है और मैंने क्या किया, ये शुगर के को भी इसके अंदर डाल देते हैं। सो नाउ यू कैन सी कैसे शुगर गिरती है, देखो, ओके, शुगर के बड़े पार्टिकल्स हैं, राइट, शुगर के बड़े पार्टिकल्स हैं, सॉल्ट के छोटे पार्टिकल्स, ओके। क्लास नाउ व्हाट आई विल डू, आई एम आस्किंग यू अ क्वेश्चन, एवरीवन थिंक, हमने ये जो एक्सपेरिमेंट किया अभी, बहुत बेसिक एक्सपेरिमेंट, इसको अगर मैं अभी डिसॉल्व करती, मैं अभी चम्मच से इसको डिसॉल्व करूंगी, मिलाऊंगी, सबसे पहले कौन सा डिसॉल्व होगा, सॉल्ट या शुगर, कौन सा होगा, करके देखते हैं। तब तक आप आंसर लिखो कमेंट बॉक्स में, जब तक हम कर रहे हैं तब तक आप आंसर लिखो फटाफट से कि सबसे पहले क्या डिसॉल्व होगा। आपको मैं एक थोड़ा सा क्लोज में दिखा देती हूँ, यहाँ देखो हमारे पास तो ओ माय गॉड शुगर ही शुगर है, सॉल्ट तो बचा ही नहीं। तो क्लास जिन बच्चों ने अगर सॉल्ट लिखा है, मैम सॉल्ट पहले डिसॉल्व हो जाएगा, वेरी गुड। क्या रीजन है इसके पीछे, हमारा सॉल्ट पहले डिसॉल्व क्यों, ये क्या ये रीजन है कि मैम हमने पहले सॉल्ट डाला था इसलिए वो ना बहुत टाइम से पानी में था, हाँ, और इसलिए वो जल्दी डिसॉल्व हो गई होगा, और शुगर हमने बाद में डाली, इसको उसके पास कम टाइम है, ये तो नाइंसाफी हो गई, हाँ, तो शुगर को तो डिसॉल्व लगने में टाइम होगा ना, टाइम लगेगा, नहीं क्लास ये रीजन नहीं है। सॉल्ट के अगर के पार्टिकल के साइज देखें बहुत छोटे होते हैं, है ना, बहुत छोटे पार्टिकल्स होते हैं, एंड शुगर के क्रिस्टल्स जो है आपके कितने कितने बड़े बड़े होते हैं, शुगर के अगर सॉल्ट के से कंपेयर करें बड़े क्रिस्टल्स, हमने अभी भी क्रिस्टल्स इसके अंदर है, यू कैन सी दैट व्हाइट कलर के क्रिस्टल्स अभी भी हैं, इट विल टेक टाइम टू डिसॉल्व, राइट। अब मेरे पास बन गया ये एक और मिक्सचर, ये बन गया वही ब्लैक वाला सीन हो गया जो मैंने पहन रखा है, ये सिर्फ ब्लैक ब्लैक कलर नहीं है, ये बहुत सारे कलर्स का मिक्सचर है। ये जो एग्जाम्पल है जिसमें मैंने वाटर वाटर में शुगर एंड सॉल्ट ऐड करी है, तो यहाँ पर क्या है, एक से ज्यादा सब्सटेंसेस क्या हो रहे हैं, मिक्स हो रहे हैं। आप ट्राई करो घर पे, और क्लास आपको पता है अगर मैं इसको हीट कर दूं, ये तो पानी नॉर्मल रूम टेम्परेचर वाला पानी है, नॉर्मल पानी, ना ठंडा ना गर्म, मैंने उस पानी को मिलाया यू नो उसके अंदर पानी के अंदर सॉल्ट एंड शुगर ऐड करी, तब भी मेरी सॉल्ट पहले हो गया, और अगर मैं गर्म पानी लेती तो सोचो क्या होता, मैं गर्म पानी ले रही हूँ, सो बेसिकली क्या हो रहा है, अब मैंने सॉल्ट डाला, जितना टाइम सॉल्ट ने अभी डिसॉल्व होने में टाइम लगाया वो उससे बहुत कम टाइम में डिसॉल्व हो जाएगा, ठीक है। एंड शुगर जो अभी भी यू नो क्रिस्टल फॉर्म में है वो भी बहुत जल्दी डिसॉल्व हो जाएगी, बट शुगर से लेट, क्यों, क्योंकि हमारा जब गर्म टेम्परेचर होता है उसके अंदर मूवमेंट ऑफ पार्टिकल दैट इज काइनेटिक एनर्जी, याद रखना ये काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है, ठीक है, बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, इसके वजह से पार्टिकल जा रहे यहां से वहां भाग रहे हैं, इस भागने की वजह से डिसॉल्व बहुत जल्दी होता है, वही इट्स अ वाइस वर्सा, कोल्ड कर लो ठंडा पानी है पार्टिकल इतनी दूर दूर नहीं भाग, इतनी जल्दी जल्दी इधर उधर भागेंगे नहीं, तो क्या होगा, डिसॉल्व मैम ज्यादा जल्दी नहीं,
ठंडा पानी लेके देखो, उसमें आप सॉल्ट भी मिलाते रहोगे, सॉल्ट बहुत मुश्किल से मिलेगा, फिर शुगर को तो बैठे रहो। तो इसलिए अगर आप चाय बना रहे हो, आप उसमें शुगर मिला के देखो, फटाफट से शुगर मिल जाती है। आप शुगर क्यूब्स डालो, इतने बड़े बड़े क्यूब्स होते हैं, वो भी मिल जाती है, क्योंकि वो गर्म है। गर्म में काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होती है, काइनेटिक एनर्जी ज्यादा है सो बेसिकली पार्टिकल का मूवमेंट ज्यादा है, राइट? एंड अगर पार्टिकल का मूवमेंट बहुत ज्यादा है तो बेसिकली उनके पार्टिकल के बीच के इंटर मॉलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वीक होंगे, राइट? भाग रहे इधर से उधर, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत वीक है, एंड उनके बीच की स्पेस क्या होगी, कम होगी। कम है नो, उनकी स्पेस बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी, क्योंकि वो इधर से उधर भाग रहे, स्पेस बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। ठीक है, अगर मैं देखूं क्लास, अगर मैंने वाटर लिया पानी, तो मैंने पानी को क्या किया, आई एम पासिंग दी वाटर। फॉर एग्जाम्पल, मैं पानी को ऐसे पास करा रही हूँ, ठीक है, इधर के डायरेक्शन में पानी को फ्लो करवा रही हूँ, एंड मैंने इसी फ्लो फ्लो में मैंने क्या ऐड किया, मैंने ऐड कर दिया सॉल्ट। ठीक है, सॉल्ट ऐड किया, एंड मैंने ऐड सॉल्ट ही नहीं, अभी हमने एक्सपेरिमेंट देखा, हमने सॉल्ट के साथ साथ और क्या क्या ऐड किया, सो बेसिकली हमने ऐड किया शुगर, तो शुगर भी हम यहाँ पर और ऐड कर देते हैं, तो सॉल्ट और शुगर का यहाँ पर मिक्सचर है। अब मैं क्या कर रही हूँ, ये कॉन्स्टेंट वाटर नहीं है, ये फ्लोइंग वाटर। क्या होगा, मेरी सॉल्ट आगे जाएंगे या वाटर आगे जाएगा, नहीं सॉल्ट आगे जाएगा या शुगर, मैम ऑफ कोर्स सॉल्ट जाएगा। सॉल्ट पानी की जब मूवमेंट आगे हो रही है तो सॉल्ट पानी के साथ आगे जाएगा, एंड वाइल शुगर, शुगर के बड़े बड़े क्रिस्टल्स होते हैं, वो पीछे ही रह जाएगी। एज कंपेयरेटिव टू सॉल्ट, सॉल्ट के कंपैरिजन से शुगर पीछे रह जाएगी और पानी के फ्लो में सॉल्ट पानी के साथ आगे जाएगा, ठीक है, शुगर से आगे जाएगा। यहाँ पर क्या बात हो रही है क्लास, बेसिकली जो रेडिली डिसॉल्व होते हैं, क्या मतलब है, जो डिसॉल्व बहुत इजीली हो जाते हैं, जैसे कि ये हो गया सॉल्ट, ये क्या है, ये डिसॉल्व हो जाता है, राइट? ये डिसॉल्व बहुत इजीली हो जाता है, तो जो डिसॉल्व जल्दी हो जाता है, जो रेडिली डिसॉल्व होते हैं, वो बेसिकली आगे जाते हैं जब पानी का फ्लो हो रहा है, ठीक है, ओके। जो हमारे सब्सटेंस, जो जैसे फॉर एग्जाम्पल वी हैव शुगर, ये क्या है, इसकी सॉल्युबिलिटी कम है, एज कंपेयर टू शुगर, इसकी सॉल्युबिलिटी मतलब घुल जाने की, मिल जाने की कम है, ठीक है, सॉल्ट के कंपैरिजन में। सो जिसकी कम होती है वो पीछे रह जाएगा, जिसकी ज्यादा सॉल्युबिलिटी है, ज्यादा डिसॉल्विंग पावर है, वो आगे चला जाएगा, ठीक है क्लास। सो अब हम जानेंगे आज के प्रोसेस को एक और स्टोरी से। स्टोरी में क्या हो रहा है, स्टोरी में हमें मिला एक नोट, यहां आप देख सकते हो किसी एक पर्सन ने ये लिखा है नोट, हमें नहीं पता किसने लिखा है, और वहां हो जाती है दिन दहाड़े चोरी, दिन में चोरी हो जाती है, और वो ये नोट छोड़ के जाता है या जाती है, ठीक है। ये नोट है, अब आए इन्वेस्टिगेशन टीम, मानो आप इन्वेस्टिगेशन टीम में, सोचो क्या करूंगे इसके अंदर, सोचो सोचो सोचो, हम इसके पास, आपके पास सिर्फ ये लेटर है और उसमें कुछ भी लिख रखा है, कुछ भी, ठीक है, आप क्या करोगे, हाउ यू विल फाइंड द गाय, कि हमारे अब आपके पास 3% है, आपने बहुत इन्वेस्टिगेशन करी, बहुत ज्यादा इन्वेस्टिगेशन करी, और आपको पता चला कि आपका ये जो लेटर आपको मिला है वो 3 पेन से लिखा गया है, रेड ब्लैक ब्लू, तो इन 3 पेन में से कोई, अब हम देखेंगे किस हर एक पेन एक, जैसे फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट पर्सन के पास रेड पेन है, सेकेंड पर्सन के पास ब्लू ब्लैक पेन है, एंड थर्ड पर्सन के पास ब्लू पेन है, एंड एवरीवन इज सेइंग हमने तो नहीं लिखा, हमने तो नहीं लिखा, ठीक है, लेकिन आपको पता है कि इनमें से ही ये कलर आपने देख लिया, इन्वेस्टिगेशन आपने कर ली, तो बहुत इन्वेस्टिगेशन करने के बाद आपने बोला इन तीनों में से ही है कोई, ठीक है,
आप देख रहे हो कि ऐसा पर्सन जिसने ये लेटर लिखा है वो कौन, तो उसका हम एक बहुत प्यारा एक्सपेरिमेंट करते हैं क्लास। ये एक्सपेरिमेंट क्या है, इसका एक्सपेरिमेंट स्टार्ट करने से पहले हम सेटअप के बारे में पढ़ेंगे। तो नाउ क्लास, इस सेटअप को हमने बात करा है, आप यहाँ देख सकते हो ये फुल सेटअप। ये सेटअप हम क्यों कर रहे हैं, अभी जो हमने पढ़ा कि हमारे पास एक ना चोर है या फिर एक पर्सन है, जो आप एक इन्वेस्टिगेशन टीम में हो, आपको वो पर्सन ढूंढना है कि किसने ये नोट लिखा है। उसके सेटअप में आप क्या यूज करोगे, आपने लिया एक स्ट्रिप ऑफ फिल्टर पेपर, ठीक है। फिल्टर पेपर बहुत पहले से पढ़ते हुए आ रहे, क्या होता है फिल्टर पेपर, फिल्ट्रेशन प्रोसेस में भी हमने देखा था। फिल्टर पेपर नहीं है, छोड़ो नहीं है ना, चलो कोई ना, नॉर्मल पेपर ले लो। नॉर्मल पेपर में भी आपको हल्का सा पता चल, नॉर्मल पेपर नहीं है, टिश्यू पेपर ले लो। टिश्यू पेपर आप थोड़ा थिक करके आप टिश्यू पेपर यूज कर सकते हो, एक टिश्यू पेपर से तो काम नहीं होगा, आप थोड़े से मोटा टिश्यू पेपर लो, उससे भी काम हो जाएगा, ठीक है। एक्सपेरिमेंट करने में कमी नहीं आनी चाहिए, सब मटेरियल है अपने पास, नहीं है तो हम जुगाड़ू तुम्हें ही, है ना। ओके, तो स्ट्रिप ऑफ फिल्टर पेपर, हमने लिया एक स्ट्रिप ऑफ, ऐसा ऐसा एक पेपर होता है फिल्टर पेपर का, हमने उसकी एक स्ट्रिप ली। हम क्या करेंगे, एक ऐसे यहाँ पर हॉरिजॉन्टली लाइन ड्रॉ कर, क्यों करेंगे हम इसको देखेंगे। ऐसे हमने हॉरिजॉन्टली लाइन ड्रॉ कर दी है, ठीक है। लाइन ड्रॉन बाय पेंसिल, पेंसिल नहीं करनी है, पेंसिल से करनी है। क्यों पेंसिल नहीं करनी, आगे एक्सपेरिमेंट जब हम देखेंगे एक्सपेरिमेंट कैसे हो रहा है तब आपको पता चल जाएगा। यहाँ पर हमने स्पॉट ऑफ इंक, हमारे पास ब्लैक इंक है, ब्लू, यू नो, हमारे पास कोई भी कलर, ब्लैक, ब्लू, इधर रेड, आप कोई भी कलर का इंक यहाँ पर लगा सकते। आपने सिर्फ एक डॉट लगानी है, वहां पर कलरिंग नहीं करनी है, सिर्फ एक डॉट। क्लास अभी तो कोविड चल रहा है ना, आपके स्कूल भी बंद है, तो जब आपके स्कूल ओपन हो जाएंगे ट्राई करना, ये आपको ना स्कूल में भी इवेंट आपको ट्राई करने को बोला जाएगा। अभी आप ध्यान से सुन लो, तो बेसिकली आप घर पे भी ट्राई कर सकते हो, स्कूल चलो छोड़ो, अगर नहीं कर पा रहे स्कूल में, घर पे भी ट्राई कर सकते हो। यहाँ पर आप एक क्या करना है, डॉट लगानी है कलर की, सिर्फ डॉट। और उसके बाद हम क्या करेंगे, एक ऐसा बड़ा सा बीकर से लेंगे, ठीक है। बीकर है ये, और कुछ सेटअप नहीं है, ये बीकर, और इस बीकर के अंदर है वाटर, वाटर हमारा प्यारा वाटर, हम हर एक एक्सपेरिमेंट वाटर से करते हैं, है ना। बीकर लिया और वाटर लिया, हमने क्या कर रहा, सी हमने ये फिल्टर पेपर इसके अंदर ऐड कर दिया, बीकर के अंदर हमने ये फिल्टर पेपर क्या किया, ऐड कर दिया, ठीक है। सो ओवर हियर हमने देखा कि पानी है, हमारा ये कलर, ये इंक स्पॉट है, ये स्ट्रिप ऑफ फिल्टर पेपर है, दिस इज अ जार बोल लो या फिर आप बीकर बोल सकते हो, वन एंड द सेम थिंग। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा ये जो थिंग है, दैट इज पेपर क्लिप। व्हाई पेपर क्लिप, थोड़ा सा स्टेबिलिटी मेंटेन करने के लिए। अब पेपर है, पेपर क्या करेगा, आगे पीछे, है ना, बहुत हल्का पेपर है, आगे पीछे मूव करेगा, उससे हमारा जो एक्सपेरिमेंट का एम है वो खराब होने की चांसेस, इसलिए थोड़ा सा स्टेबिलिटी मेंटेन करने के लिए हमने दो पेपर क्लिप्स लगाई हैं कि हमारा पेपर स्टेबल रहे। इसके बाद ऊपर हमने ग्लास रोड लगाई है, ठीक है, वहां से हमने स्टक करके यहाँ पर फिल्टर पेपर को बीकर के अंदर, इधर जार के अंदर पुट किया है। अगर आपके एग्जाम में आता है कि आप में ये वाला जो प्रोसेस आज पढ़ रहे हैं, आप उसका बेसिक थिंग बताओ, वो ना ऑल अबाउट दिस प्रोसेस, आपने ये ड्रॉइंग बनानी है, दिस यू कैन ड्रॉ दिस पिक्चर। यहाँ पर आपको सारा सेटअप पता चल गया कि ये सेटअप होता है, उस सेटअप के लिए आपको फिल्टर पेपर चाहिए होता है, फिल्टर पेपर में भी आपको पेंसिल की जरूरत होगी, पेंसिल से लाइन ड्रॉ करोगे, इंक स्पॉट, इंक सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हमने तभी इंक को स्टार्टिंग से लेते हुए आ रहे हैं अभी तक, क्योंकि इंक इज वेरी इंपॉर्टेंट इन दिस फुल प्रोसेस। क्लास अगर किसी ने गेस कर लिया है कि हम कौन से प्रोसेस की बात कर रहे हैं, सो प्लीज राइट इन द कमेंट बॉक्स। हम बहुत क्लोज आ चुके हैं अपने अपने यू नो प्रोसेस, दैट आज का जो पूरा प्रोसेस है मैं आपको समझा रही हूँ, बट मैंने अभी तक नाम नहीं बताया, बिकॉज आई वॉन्ट यू टू टेल मी मैम ये प्रोसेस पढ़ रहे हैं। सो क्लास हमने जो सिचुएशन अभी दी कि आपको यू नो यू आर अ डिटेक्टिव, डिटेक्टिव टीम से हो आप, और आपको फाइंड आउट करना है, ये आपको यू नो आपके पास तीन पेन है एंड आपको फाउंड आउट, फाइंड आउट करना है। हमने पूरा सेटअप देखा है, आखिरी वो घड़ी आ गई है
हम इस एक्सपेरिमेंट को करके देखेंगे। अभी आप उस चीज को रख दो, साइड में रख दो उस सिचुएशन को कि हमें ढूंढना है, हम डिटेक्टिव टीम में। यस आई नो यू आर डाउ यू नो यू आर फ्रॉम डिटेक्टिव टीम, आई नो दैट। ओके बट अभी हम थोड़ा सा रोल को स्विच करते हैं, हम अभी उस डिटेक्टिव टीम वाले रोल को साइड में रखते हैं। हम आगे इस एक्सपेरिमेंट के साथ देखेंगे हम उस वाला जो हमने सिचुएशन दिया था उसे कैसे सॉल्व करें। सो क्लास एज यू कैन सी हमने जो सेटअप पढ़ा था, यू ऑल कैन सी हमने क्या लिया है यहाँ पर, ना फिल्टर पेपर लिया है। यस इस फिल्टर पेपर का हम क्या करेंगे, देखो हमने पेंसिल और स्केल लिया, हॉरिजॉन्टली ड्रॉ करो ठीक है एंड वर्टिकली भी। क्यों? बिकॉज आपको मिड में, ये देखो मिड मिड में आपको एक इंक का स्पॉट लगाना है छोटा सा, ये एक रेड और ब्लू इंक का मिक्सचर ठीक है। तो यहाँ पर एक छोटा सा क्या किया, छोटा सा इंक का स्पॉट लगा दिया। क्लास आई वॉन्ट यू टू ऑब्जर्व राइट नाउ, हम चाहते तो हम यहाँ पर भी लगा सकते थे इंक का स्पॉट, यहाँ पर भी लगा सकते थे, यहाँ लगा दो यहाँ लगा दो, लगाने की तो बात है कहीं लगा दो। हमने ये ऐसे हॉरिजॉन्टली एंड वर्टिकली लाइन क्यों ड्रॉ करी है और मिड में ही क्यों लगाया है। क्लास जब भी आप कर रहे हो ये एक्सपेरिमेंट, ऑलवेज रिमेम्बर यहाँ पर एटलीस्ट 2 सेंटीमीटर छोड़ो ठीक है, एटलीस्ट लीव करो। इतना पोर्शन पोर्शन आपको कुछ और काम के लिए, आप पानी में आपने देखा था पानी में डिप करने में काम आएगा ठीक है। सो आप एटलीस्ट 2 सेंटीमीटर का डिस्टेंस छोड़ो एंड यहाँ पर आप मिड में यू कैन एस्टिमेट कि आपने एक लाइन बनाई है इसका मिड क्या होगा। सो जो मिड है उसी से मिड से आप एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर सकते हैं एंड जहां वो इंटरसेक्ट कर रहे हैं हॉरिजॉन्टली एंड वर्टिकली वहां पर आप एक इंक का स्पॉट लगा दो, छोटा सा, बहुत बड़ा नहीं छोटा सा ठीक है। और यहाँ पर इस एक्सपेरिमेंट में कौन सा इंक कलर है, आपको दिख तो ब्लैक रहा है, हमने पढ़ा है ब्लैक कलर क्या है, मिक्सचर है बहुत कलर्स का। तो यहाँ पर इट्स अ मिक्सचर ऑफ ब्लू प्लस रेड, रेड एंड ब्लू का ये मिक्सचर है। आगे देखते हैं आगे इसके में और हम क्या प्रोसेसेस है। देखो हमने ये लगा दिया, अब हमारा उसको ड्राई होने दो, वो ड्राई हो गया कलर। नाउ यूज अ थ्रेड, थ्रेड से इसको कर दो ऐसे फोल्ड करके टाई। एक बीकर लो, जार लो, आप ऐसे केस ले सकते हो, उसके अंदर वाटर है या ये वाटर है ठीक है, और आपका पानी यहीं पर ही खत्म है। देखो पानी बहुत नीचे ही, यहाँ पर ही पानी खत्म हो गया है, इतना ज्यादा तो स्पेस रह गया। क्यों रह गया, आपको लीव करना है क्योंकि अब आप देख सकते हो पानी क्या होगा, धीरे धीरे आपका पेपर पे चढ़ेगा और आपका देखो ब्लू कलर एंड रेड कलर हो गया डिस्टिंग्विश। आपने मिक्सचर कलर दिया था रेड और ब्लू, अब हो गए दो कलर अलग, ये रहा ब्लू एंड ये रहा रेड, दो डिफरेंट कलर निकल के आ गए। क्लास कैन यू सी मैजिक कर दिया मैम ये, तो हमने जो पढ़ा कि मैम ब्लैक कलर जो है, ब्लैक कलर क्या है, एक मिक्सचर है, मिक्सचर ऑफ मेनी कलर्स, हम उसको क्या इस प्रोसेस से कर सकते हैं। हाँ बिल्कुल कर सकते हैं हम इस प्रोसेस से। हम बेसिकली हमने एक केस लेना है, उस केस के अंदर बीकर है या जार है, इस केस के अंदर हमने सिर्फ एक फिल्टर पेपर ऐसे टाई करना है ठीक है। जस्ट रिमेम्बर इस फिल्टर पेपर के ऊपर एटलीस्ट 2 सेंटीमीटर तक आपको एक हॉरिजॉन्टली लाइन ड्रॉ करनी है, हॉरिजॉन्टली लाइन आपको ड्रॉ करनी है एंड जस्ट एस्टिमेट इसका मिड ये होगा मिड ठीक है। वहां से आप इसको वर्टिकली भी आप इसको ड्रॉ करो, ये जो मिड इंटरसेक्ट हो रहा है यहाँ पर, आप यहाँ पर ये जो पॉइंट है, आप एक इंक स्पॉट कोई भी कलर का, एनी कलर, आपको बहुत सारे कलर्स यूज करने हैं, यूज करो, मिक्स करो, ब्लैक ले लो, कोई भी कलर ले लो, उसको यहाँ पर एक छोटा सा स्पॉट लगाओ। उसके बाद इसको ड्राई होने दो, थोड़ा सा टाइम दो ड्राई होने दो, गीला नहीं होना चाहिए पानी। अब आपको क्या करना है, जब आपने इस बीकर में डाला पानी ऑलरेडी है इस बीकर के अंदर, तो नाउ पानी कहाँ तक होना चाहिए, पानी है हमारा यहाँ तक, सिर्फ यहाँ तक हमारा है वाटर, टच नहीं है उस लाइन के, लाइन से बहुत नीचे है। सो हमारा पानी जो बीकर का है वो यहाँ तक है। तो अब क्या होगा, धीरे धीरे जस्ट इमेजिन
ये जो फिल्टर पेपर है, पानी धीरे धीरे चढ़ेगा। आपने कभी देखा होगा न्यूज़पेपर या फिर कोई भी नॉर्मल पेपर, उसको पानी में डाल के देखो, धीरे धीरे पानी ऊपर चलने लग जाएगा, है ना। पानी ऊपर ऊपर चढ़ रहा है, पूरा न्यूज़पेपर एक टाइम में गीला हो जाएगा। यहाँ पर भी वही प्रोसेस है, हमने जैसे ही पानी में डाला, धीरे 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 पानी जा रहा है ऊपर 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 पूरे पेपर को गीला करने। तो बीच में मिला इंक, इंक का एक स्पॉट काम करेगा उस पे भी पानी। तो पानी ने दोनों कलर को अलग कर दिया, ब्लू को अलग और रेड को अलग, जो हमारा इनिशियली हमने मिक्सचर लिया था, राइट क्लास। अगर हम इसके पीछे प्रिंसिपल के बारे में पढ़े, क्या प्रिंसिपल है? तो बेसिकली सेपरेशन और आइडेंटिफिकेशन ऑफ डिफरेंट कंपोनेंट ऑफ अ मिक्सचर बाय पेपर क्रोमैटोग्राफी। ओह माय गॉड, आंसर मिल गया क्लास, क्रोमैटोग्राफी इज द आंसर। ठीक है, तो क्रोमैटोग्राफी, ये जो पूरा प्रोसेस हम कर रहे हैं, इसे हम क्रोमैटोग्राफी प्रोसेस कहते हैं, ठीक है। इज बेस्ड अपॉन देयर डिफरेंट सॉल्युबिलिटी इन दी सेम सॉल्वेंट। हम इसके बारे में, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, डिफरेंट सॉल्युबिलिटी, ये डिफरेंट सॉल्युबिलिटी पे मैटर करता है इन दी सेम सॉल्वेंट। यही हमारे पास सॉल्वेंट है, हमारे पास ब्लैक एंड ब्लैक कलर है फॉर एग्जाम्पल, उसमें बहुत सारे मिक्सचर्स हैं, हम उसी में ही हमारे कलर्स बहुत सारे, अगर हम क्रोमैटोग्राफी प्रोसेस करते हैं, हमारे सारे कलर्स जो ब्लैक के अंदर इंक्लूडेड हैं वो अलग हो जाएंगे, क्रोमैटोग्राफी से ही अलग हो जाएंगे। इसके पीछे प्रिंसिपल जो हम अभी ये पढ़ रहे हैं, इसको हम आगे डिटेल में करेंगे, बहुत डिटेल में आगे करेंगे। ओके, बिफोर दैट क्लास, अब हम वापस से आ जाओ उसी सिचुएशन में जो हमने स्टार्टिंग में वो जो क्राइम सिचुएशन लिया था कि हमें फाइंड आउट करना है। ये जो नोट है, ठीक है, ये नोट आपको मिला है वहां पर उस सस्पेक्ट एरिया से। अब आप हो डिटेक्टिव, ठीक है, आपने क्या किया, आपने सारा लगा दिया वैसे ही सेटअप क्रोमैटोग्राफी का जैसे हमने पढ़ा, ठीक है, जैसे हमने पढ़ा आपने वैसे ही क्या किया। अभी वो लाइन ड्रॉ नहीं करनी, बिकॉज ये ऑलरेडी रिटन पार्ट है, आपने ये देखना है ये कौन से कलर इसके अंदर है, कौन सा पेन यूज किया गया है। अब क्या होगा, पानी में हमने जैसे ही ऐड किया, क्या होगा, पानी चढ़ेगा, चढ़ के एक टाइम आएगा, रुक जाएगा, नहीं, पानी चढ़ता जाएगा, चढ़ता जाएगा, चढ़ता जाएगा, चढ़ता जाएगा, ऊपर तक पूरा पेपर को वेट कर देगा, गीला कर देगा। बीच में है कुछ रिटन पार्ट, कुछ रिटन, आप बोलोगे मैम ये तो ब्लू कलर है, ब्लू कलर है कि नहीं है, इसके अंदर और कलर है या नहीं है, अभी पता चलेगा। यहाँ देखो, हैव अ लुक ओवर हियर, हमने यहाँ पर कुछ टाइम दिया, थोड़े से टाइम के बाद देखो क्या हुआ, थोड़ा सा पिंक कलर आ गया, ब्लू कलर है ना, डार्क ग्रीन, फिर हल्का सा लाइट ग्रीन, फिर और भी दूसरा कलर में मिक्स होने जा रहा है, राइट। कितने सारे कलर है, हमारा इनिशियली तो ब्लू कलर था, सिर्फ ऐसा कलर, बट जब ये पानी ऊपर चढ़ रहा है तो नाउ क्या हो रहा है, इतने कलर्स में डिस्टिंग्विश हो गया। इससे आपको ये पता चल रहा है, इस क्रोमैटोग्राफी प्रोसेस से ये पता चल रहा है कि एक ब्लू कलर के अंदर, सिर्फ एक ब्लू कलर जो आपका पेन है, आपने सोचा ब्लू स्केच पेन ही तो है, आपने लिख दिया, लेकिन सिर्फ उस ब्लू कलर से आपका कितने कलर्स मिले हुए हैं वो आपको क्लियर दिख जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर क्रोमैटोग्राफी प्रोसेस से इजीली सारे कलर सेपरेट हो जाते हैं। तो क्लास हमने लास्ट स्लाइड में देखा, जो हमारे पास सस्पेक्ट नोट था, राइट, जो हमारे पास नोट था, हमने उसको क्रोमैटोग्राफी प्रोसेस से हमने जब किया, तो वो सारे कलर्स क्या हुए, जो भी ब्लू कलर से लिखा हुआ था वो सारे कलर सेपरेट हो गए जो सिर्फ ब्लू कलर में प्रेजेंट। ओके, नाउ हम क्या करेंगे, उसको रख दो साइड पे, जो सैंपल नोट से निकला है, हमने जो इससे पहले स्लाइड में देखा कि वो इतने सारे कलर्स में पिंक देन रेड देन ग्रीन में ऐसे कन्वर्ट हो रहा था, उस सैंपल को रख दो साइड में सजा के, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, हमारे पास सपोज चार पेन है, हमने स्टार्टिंग में थ्री पेन देखे थे, हमारे पास चार पेन, हमने क्या किया, हर पेन पे हमने जैसे याद किया है प्रोसेस को, हम क्या करेंगे, एक हॉरिजॉन्टल लाइन खींचेंगे, मिड एस्टिमेट करेंगे, वहां से वर्टिकल लाइन, ये जो इंटरसेक्ट कर रही है यहां पर लगाएंगे
यहाँ देख सकते हो आपने कोई ड्यूअल डार्क ब्लू, पर्पल, ऑरेंज, ब्लैक, आपने ये सारे पेन यूज कर लिए, एक एक डॉट लगा दी। बहुत सारा कलरिंग नहीं करना है, पूरा पेपर नहीं भरना है, भर दोगे तो क्या होगा, कलर का डिस्टिंग्विश ही नहीं दिखेगा। तो नॉर्मल रखो, ज्यादा ना छोटा ना ज्यादा बड़ा। तो यहाँ देखो ये जो है ये भी मीडियम साइज है, इससे भी छोटा हो सके तो वो ज्यादा बेटर। हमने क्या किया, ए बी सी डी, हमने इनको आप टैग दे दो कि आपको डिस्टिंग्विश करने में इजी रहे कि ए वाला मिल रहा है उस पहले वाले नोट से, जो नोट का जो आया था सैंपल, तो कौन सा पेन यूज किया गया है इस नोट को लिखने के लिए, ए बी सी या डी, इसलिए आप टैग लगा दोगे। सो कुछ घोर तपस्या करने के बाद हमारा रिजल्ट आया, ये हमने बहुत आसान कर दिया था इसको ए बी सी डी टैग करके, राइट। ओके, नाउ आप यहाँ देखो, आपने कुछ टाइम तक वेट किया, जो क्रोमैटोग्राफी प्रोसेस हमने पढ़ा था, जैसा स्टेप इक्विपमेंट्स एंड एवरीथिंग, हम सेटअप के साथ तैयार हैं। यहाँ पर हमने क्या किया, हमने एक ब्लू, यू नो हमारे पास फॉर एग्जाम्पल ब्लू था, रेड यहाँ पर हमारे पास, और ऑरेंज, देन रेड एंड देन यू नो ब्लैक, ठीक है, हमने सबका देख लिया। अब हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या है, इन सारे सैंपल को, इतनी जो आपने मेहनत करी है, इसके बाद हमें ये ऑब्जर्व करना है कि इनमें से जो पहले वाले नोट का जो सैंपल था वो कौन सा मैच कर रहा है। इनमें से ए वाला पहले वाले से मैच कर रहा है या बी वाला कर रहा है, सी कर रहा है या डी कर रहा है। एवरीवन प्लीज राइट इन द कमेंट बॉक्स। देखो मैं भी आपको दिखाती हूँ कौन से मैच कर रहा है, लेकिन आई वॉन्ट टू सी आप कितना ऑब्जर्व कर रहे हो। यहाँ पर देखो ये वाला ऐसा ही था, वो सैंपल का, सैंपल के कलर ऐसे थे या ऐसे थे, अरे ऐसे थे क्या, अरे नहीं ऐसे थे, अरे ऐसे भी हो सकते हैं, कैसे थे सोचो, अनपढ़ से लिख दो। तो यहाँ आप ऑब्जर्व करो क्या आ रहा है, ये आपका मेन सैंपल का कलर था, मेन सैंपल का कलर आपका जो नोट था वो कलर ऐसा था। किससे मैच हो रहा है, इससे हो रहा है मैच, क्या ये ब्लू से ऐसे हो रहा था, अरे ये तो बिल्कुल गलत है, सी ऑप्शन बी तो बिल्कुल गलत है। हमारा ए देखो, ए था, हाँ मैं ऐसा ही लग रहा है, हमारा ब्लू से स्टार्ट होने के बजाय ऐसा कुछ पिंक से जा रहा था ऊपर। सो क्लास आप यहाँ पर आराम से देख सकते हो, कैन यू सी ये जो कलर है ए पार्ट, ए पार्ट एंड ये जो है बीकर, ए एंड बीकर, यहाँ पर ये दोनों का कलर बिल्कुल सेम आ रहा है। हमें पता चल गया इस जस्ट क्रोमैटोग्राफी प्रोसेस से हमने कौन सा पेन यूज करा है। तो आप देख सकते हो यहाँ पर कौन सा पेन यूज करा है, टन टना टन, ब्लैक कलर को हमने यूज करा है। ब्लैक कलर को हमने सिर्फ एक डॉट लगाई है और उस डॉट से हमारा कुछ कलर ऐसा आया है, राइट, ये ब्लैक कलर है, ब्लैक कलर ही है, राइट। हमने तो ये जो नोट लिखा हुआ था वो ब्लैक कलर से लिखा हुआ था, आपको इनिशियली लग रहा था कि ये तो ब्लू है या फिर कोई और कलर लग रहा होगा, ये लिखा ब्लैक कलर से गया है। सो जो पर्सन ब्लैक कलर से लिख रहा था वो पकड़ा गया, आपका डिटेक्टिव, आपको ये नहीं करना पड़ा कि चलो इसके कॉल नंबर, इसके कॉल हिस्ट्री निकालो, है ना, यही करते हैं यूजुअली, कॉल हिस्ट्री निकालो भाई, अब बताओ लास्ट में कॉल किसने कॉल किया था, इसने किया था, ये है किलर। नो ये करने की जरूरत ही नहीं है, हमने सिंपल एक छोटा सा प्रोसेस किया है क्रोमैटोग्राफी, उससे हमने एक डॉट लगाया, सिर्फ एक डॉट से काम हो गया, एक डॉट लगाया, आपके पास सबूत, एवरीथिंग आपके सामने है, आपके पास मटेरियल जिससे लिखा है वो भी आपके सामने है। अब इट्स वेरी इजी फॉर यू टू कैच दैट कल्प्रिट, राइट। क्लास हमने इतना सारा जो प्रोसेस पढ़ा, हमने एक्सपेरिमेंट देखा, राइट, हमने स्टार्टिंग से हमने क्या क्या एक्सपेरिमेंट देख लिए, एंड में जो क्रोमैटोग्राफी का एक्सपेरिमेंट था हमने वो भी देख लिया, और हमने तो मिस्ट्री सॉल्व भी कर दी, बीइंग अ डिटेक्टिव हमने वो मिस्ट्री सॉल्व भी कर दी चुटकियों में। ओके, नाउ अब बारी आती है आपके एग्जाम में, अगर ये क्वेश्चन आया तो आप हाउ यू विल राइट दैट। हमने जो स्टार्टिंग में इमेज देखी थी, दैट ऑल अबाउट ड्रॉइंग, यू नो दैट पिक्चर, यू हैव टू ड्रॉ दैट, यू कैन लेबल इट, सो दैट बिफोर स्टार्टिंग यू आर टेलिंग ऑल अबाउट द इक्विपमेंट्स, कि हमारे इसमें ये इक्विपमेंट्स हमारी यूज हुई है और ये हमारा बेसिक सेटअप है।
अब बैकग्राउंड दे दिया, कहानी का बैकग्राउंड होता है केमिस्ट्री में एक एक्सपेरिमेंट करने का, ये बैकग्राउंड। ओके नाउ अब आपको लिखना है प्रोसीजर। प्रोसीजर क्या है? अ लाइन इज ड्रॉन अराउंड 3 सेंटीमीटर, मैंने 2 सेंटीमीटर बोला था, आई सेड एट लीस्ट 3 सेंटीमीटर तक आप बनाओ अबव द लोअर एज ऑफ द फिल्टर पेपर। फिल्टर पेपर लिया, एटलीस्ट 3 सेंटीमीटर आपने यहाँ पर डॉट लगा दिया। अ ड्रॉप ऑफ ब्लैक इंक, इट कैन बी ब्लैक, इट कैन बी सम अदर कलर ऑल्सो, ठीक है, नो हार्ड एंड फास्ट, इज पॉर्ड एंड अलाउड टू ड्राई। ब्लैक इंक लिया, उसको आपने ड्रॉप लगाया और उसको वेट करो ड्राई होने के लिए। द फिल्टर पेपर इज डिप्ड इन द वॉटर, एक बीकर के अंदर डाला, उसके अंदर वॉटर है, ठीक है, वॉटर विल यू नो सीन, वॉटर विल बी सीन मूविंग अपवर्ड ऑन द फिल्टर पेपर। एज वी ऑल नो, यस, इट्स नॉट ओनली अबाउट पेपर, अगर आप क्लॉथ भी देखते हो, आप क्लॉथ को पानी में टच करो, पानी में अब वो क्लॉथ क्या है, गीला होने लग जाएगा धीरे धीरे, क्योंकि पानी क्या हो रहा है, वो ऊपर जा रहा है, राइट। तो सेम विद दिस पेपर ऑल्सो, पेपर आपका नीचे से ऊपर पूरा पेपर गीला हो जाएगा। अदर देन दैट, डाइज ऑफ डिफरेंट कलर्स आर सीन एट डिफरेंट हाइट्स ऑन फिल्टर पेपर। तो बेसिकली आपको यू नो 3 सेंटीमीटर आपको रखनी है, और जब आपने ये पूरा सेटअप करा, आपने वाटर के अंदर डिप किया, इसके बाद जो भी इसके अंदर मिक्सचर ऑफ कलर्स है, ये क्या होगा, हर एक कलर सेपरेट हो जाएंगे, डिफरेंट डिफरेंट हाइट से सेपरेट हो जाएंगे। आपको बहुत आराम से दिख जाएगा कि इस पूरे एक कलर के अंदर, फॉर एग्जाम्पल ब्लैक, ब्लैक के अंदर इतने सारे कलर प्रेजेंट है। The most soluble part of dye is found at the top. Class, अब आपको ये लाइन उससे समझ आएगी जो हमने बात करी थी, पानी का फ्लो। पानी का फ्लो हमने बात किया था, हमने बात करी थी सॉल्ट, हमारे पास सॉल्ट है, सॉल्ट हमारा कहाँ जाएगा, सॉल्ट इज मोस्ट सॉल्युबल, इन दिस सिनेरियो सॉल्ट जो है वो ज्यादा सॉल्युबल है शुगर से, तो वो क्या जाएगी, वो आगे जाएगा, राइट। तो सॉल्ट विल गो यू नो फर्दर एंड सॉल्ट विल फ्लो विद द वॉटर इटसेल्फ, राइट। तो सेम ओवर हियर ऑल्सो, सी द मोस्ट सॉल्युबल पार्ट ऑफ डाई इज फाउंड एट द टॉप एंड लीस्ट सॉल्युबल पार्ट ऑफ द डाई इज फाउंड एट द बॉटम, ठीक है क्लास। सो आई होप यू ऑल गॉट टू नो कि आपका जो ज्यादा सॉल्युबल है वो फटाफट से भाग जाएगा आगे 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 पानी के साथ। जैसे कि अगर हम देखें ब्लैक का, हमने जो पूरा मिक्सचर था, जो ऊपर जो कलर आ रहा था वो ज्यादा सॉल्युबल है, जो नीचे जो कलर आ रहा था वो कम सॉल्युबल है, कम था, लेजी है, ज्यादा सॉल्युबल नहीं होता, लेजी की तरह नीचे ही बैठा हुआ है, ऊपर आया ही नहीं, ठीक है। सो ये हमारा बेसिक प्रोसीजर है, इसके पीछे पूरा क्रोमैटोग्राफी के पीछे ये एक बेसिक प्रोसेस है क्लास। ये हम देखते हैं, ये जो इंक है, इंक इज नॉट जस्ट अ सिंगल सब्सटेंस, हमने स्टार्टिंग से यही पढ़ रहे हैं। इंक आप जो बोलते कि मैम इंक जो है वो ब्लैक कलर है, सो दिस इज प्योर, तो ये बिल्कुल गलत हो जाता। ब्लैक कलर इज नॉट एट ऑल प्योर, एंड आई एम नॉट सेइंग कि ब्लैक कलर ही प्योर, या फिर नॉट ओनली ब्लैक, कोई ब्लू ले लो, पिंक ले लो, येल्लो ले लो, वो प्योर होगा, नो, वो भी बहुत सारे सब्सटेंसेस से बना है, वो आप चेक कर सकते हो आप क्रोमैटोग्राफी प्रोसेस से, बट अ मिक्सचर ऑफ वेरियस कलर्ड कॉम्पोनेंट, इट इज अ टेक्निक ऑफ सेपरेशन ऑफ अ मिक्सचर इनटू इट्स कॉम्पोनेंट। मिक्सचर कैसा मिक्सचर, ब्लैक मिक्सचर, ब्लैक मिक्सचर इनटू कॉम्पोनेंट, डिफरेंट डिफरेंट कलर्स और डिफरेंट हाइट्स, आपको जैसे ही वो फिल्टर पेपर आपने ऐड किया इन डिफरेंट हाइट, ये आपको सब में क्या कर देगा, कॉम्पोनेंट्स की तरह या उसको पूरे को सेपरेट आउट कर देगा, राइट। So, इस प्रोसेस को हमें क्या, हमने क्या बोला है क्लास, क्रोमैटोग्राफी, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक क्रोमैटोग्राफी, जस्ट रिमेम्बर दिस क्लास, क्रोमैटोग्राफी हमने बहुत डिटेल में पढ़ चुका है, राइट, बहुत डिटेल में हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन अभी अगर आप सबके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा, आज तक यही रखते हैं, आज इतना ही रखते हैं, आगे इसको कंटिन्यू करेंगे क्रोमैटोग्राफी को, छोटा सा और है, आपको एक क्वेश्चन से एंड करती हूँ, आप सर्च करके आना, ठीक है, एक क्वेश्चन पे एंड करते हैं कि ये सोचो कि मैम हमें ये तो पता चल गया कि ब्लैक कलर है, ब्लैक कलर में कौन कौन से कलर प्रेजेंट है, बट ये डिफरेंट हाइट पे क्यों जा रहे हैं, क्यों
व्हाई व्हाई व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट. हमने फिल्टर पेपर है ये, कोई मान लो आपके पास येलो, येलो आपका यहाँ पर है, फिर आपका पास ग्रीन कलर यहाँ पहुंच गया, एंड देन आपके पास फॉर एग्जाम्पल ब्लू कलर और ऊपर है. सो ये जो हाइट आप बोल रहे हो, ये हाइट आई कैसे? आपके दिमाग में आ रहा होगा क्वेश्चन, राइट? बहुत इसके पीछे बहुत ही प्यारा रीजन है, हम जितना भी पढ़ते जा रहे हैं उसी में छुपा हुआ है इसका रीजन. हिंट दे देती हूँ मैं आपको. ओके क्लास, आपका ये होमवर्क है, एवरीवन प्लीज सर्च अबाउट इट. ठीक है, सर्च करके आना कि हमारे ये जो कलर्स है क्रोमाटोग्राफी में, दो वी आर एबल टू आइडेंटिफाइंग कि एक सब्सटेंस में, फॉर एग्जाम्पल इंक, इट्स नॉट अबाउट अ सिंगल सब्सटेंस, इट्स अ मिक्सचर ऑफ वेरियस कलर्ड कॉम्पोनेंट. वाई, कैसे पता चल रहा है? बिकॉज वो डिफरेंट हाइट्स पे जा रहा है. ये हाइट्स पे क्यों जा रहा है ये सोच के आना क्लास. राइट नाउ फॉर द टाइमिंग, एनीवन हैज एनी डाउट, एनी डाउट, एनी माइनर डाउट इवन, प्लीज राइट इन द कमेंट बॉक्स. आप फटाफट से जो भी डाउट है, आपको आंसर आता है, नॉट इवन डाउट, आंसर आता है, कुछ बात अच्छी लगी है, क्या इंप्रूव करनी चाहिए क्लास के अंदर, लिखो क्लास में. क्या आप चाहते हो मैं अगली क्लास में पढ़ाऊं? क्लास में लिखो, इस चैट, इस कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हो, ये ओपन है आप सबके लिए. क्लास, अदर देन दैट, इफ यू रियली लाइक द सेशन, प्लीज क्लिक ऑन द लाइक बटन एंड शेयर इट एज मच एज यू कैन एंड सब्सक्राइब इट, बिकॉज एज वी विल बी हैविंग आर यू नो क्लासेस, सो आई डोंट वॉन्ट एनी वन ऑफ यू टू मिस एनी क्लास. ठीक है, मुझे नहीं चाहिए कोई भी क्लास मिस कर जाए. सो सब्सक्राइब करो, क्लिक ऑन दैट बेल आइकन एंड ओवर हियर यूज दिस कोड, डोंट फॉरगेट क्लास, यूज दिस कोड RAY10. बेसिकली व्हाई टू यूज दिस कोड, यू विल गेट फ्लैट 10% ऑफ. यू हैव टू डाउनलोड द अनअकैडमी लर्नर्स ऐप, विच इज इजिली अवेलेबल ऑन द प्ले स्टोर ऐप. प्ले स्टोर ऐप पे आप इसको डाउनलोड कर सकते हो, अनअकैडमी लर्नर ऐप को. क्यों मैं बोल रही हूँ डाउनलोड करने को? क्योंकि यूट्यूब पे क्या है, आप बेसिकली आ रहे हो और आप पढ़ के, मतलब पढ़ रहे हो, सुन रहे हो और चले जा रहे हो, राइट? आपके डाउट्स इतने अच्छे से क्लियर नहीं हुए. आपको चाहिए गाइडेंस, आपको चाहिए फोकस, वो आपको अनअकैडमी देगा. अनअकैडमी, यस क्लास, यू कैन एस योर एग्जाम्स थ्रू अनअकैडमी. अनअकैडमी आपको बहुत बेसिक से, आपको वहां पर टॉप एजुकेटर्स हैं, लाइव सेशंस होते हैं, क्विजेस आर आल्सो देयर, जो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं एसेस करने के लिए, राइट? और आपके यू नो इंटरेक्शन, पेरेंट टीचर इंटरेक्शन, सो बहुत सारे फीचर्स आपको नोट्स प्रोवाइड किए जाते हैं. सो इंस्टेड ऑफ वेस्टिंग टाइम इन सर्चिंग वीडियोस, नोट्स एंड यू नो वगैरह वगैरह, इंस्टेड या फिर ट्यूशन ढूंढना, आप घर बैठे बैठे जस्ट डाउनलोड अन अकेडमी ऐप पढ़ो, टॉप एजुकेटर से पढ़ो, आप देखो आपकी एक्सीलेंट झक मार के आएगी, राइट? सो क्लास फॉर द टाइमिंग, एवरी वन प्लीज टेक केयर ऑफ हेल्थ. आज मेरा गला थोड़ा सा खराब है, ठीक है, सो सॉरी फॉर दैट, अगर किसी को यू नो आवाज मेरी क्लियर नहीं आ रही है. सो राइट नाउ एवरी वन प्लीज टेक केयर ऑफ योर सेल्फ एंड हैव अ गुड डे. बाय बाय एंड लेट्स क्रैक इट.